सल्तनत के सूर में बंदा सिंह बहादुर का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। इसने दुनिया की सब तो ताकतवर सल्तनत की नक हेठा अपने गुरु के सुपनों का पंजाब बसाया। जालमां का नाश करके जुल्मां तो मुक्त पहला खालसा राज सजाया। लाहौर तो फिर निकलिया मानवता के इतिहास का सब तो भयानक जुलूस। बंदा सिंह नूं जलील करन लई उन्हूं शाही पोशाक पहनाई गई ते उसके तीन साल के मासूम पुत्र नूं कैदी बना 740 सिंघां दे नाल दिल्ली लजाया गया। शिवा परम शुभ मन मन दे कबरो Yeah.
हौसले दी शान विच साडे देश दे महान राष्ट्रगीत लिखण वाले महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी बंदी दी। ओ शीशे बंदा बहादुर मुगल दे हाथों आखिर बंदा मुगल फौज दे हाथ आ गया शेर वांग उसनु पिंजरे विच पा दिल्ली लियांदा गया। ज्यादातर सिंगां नूं असीं पंजाब विच टिकाणे लगा दिता है बचिया कोचिया दी गल टिकाणे लगाउण असीं इत्थे दिल्ली लिआए आ। जिहड़ा साडा मजहब कबूल करे ओनू रिहा करो ते जिहड़ा ना करे ओनू फौरन अलविदा करो। आखरी बार पुछ रहा जे को साडा धर्म कबूल करता है उसनू बख्श दिता जावेगा। उस भाईओ लिया एक नो जलाद पहला मैं ओ जलाद पहला मैनू मुक्ति दे पहले मैं। हर कैदी सिंह सब तो पहला शहीद होने की गरज हर चढ़ते सूरज नाल सौ सिंह शहीद कर दिते जाते। सात दिनों विच 700 सिंह शहीद कर दिते गए। 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ चल हुक्म होया कि तू अपने बच्चे दा खुद कतल करेगा। सिंह औरतां ते बच्चियां ते कदे वार नहीं करदे इस हैवानियत दे महारथी तुसी हो। काजी ने बंदा सिंह बहादुर दे छोटे पुत्र नूं जल्लादां दे हवाले कर दिता। बंदा सिंह ने ओदी लाल दस्तार नूं चुमिया ते बाल दे कन्नां विच वाहिगुरु जी की फतेह आखी। पुत्र दे मुंह वल तकिया ते निरपय होण लई आख्या। पुत्र ने भी वाहिगुरु जी की फतेह गज के कहा मैं निरपय हां उन्हें आख्या। बाल वाहेगुरु जी की फतेह उच्चारदिया ओही ते डिग पिया। सत श्री अकाल। बंदा सिंह तेरिया शांत अखा मैनु डरा रही ने ए मेरे अंदर दसदिया जा रही ने अखा नु पन मैं तेन हनेरे विच धक देवांगा फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करांगा। रुक क्यों गया मेरी अखा नु तां पन दोगे पर लखा होर जिहड़ियां तुहानू तुहाडे पापा दियां याद करांदियां हन उहनां नु किवें पन्नोगे। बंदा सिंह बहादुर दे जिस्म नु जमूरा नाल नोचिया गया बोटी बोटी कर दिता गया। मुगलां दी ए दहशत बंदा सिंह बहादुर नूं आखरी साह तक उसदे खालसा पंथ दे अटल इरादे तों हिला ना सकी। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ दी नींह कई साल पहलां आनंदपुर विच रखी सी।
आनंदपुर जिथे गुरु साहब दे चारों साहबजादिया दे मधुर सुर फिजा विच गूंजदे ते सारा वातावरण सुख सुने ते शांति नाल भर जांदा। आनंदपुर साहब दीआं रौनकां नूं किसे दी नजर लग गई। धोखे नाल वजीर खान ने गुरु साहब तो आनंदपुर साहब का किला खाली करवा लिया। सरसा नदी ते आके उन्हां दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। 40 सिंघां ते 2 पुत्रां समेत गुरु साहब ने चमकौर दी गढ़ी विच डेरा लाया। 10 लख दी फौज लै के वजीर खान ने हमला बोल दिता। दुश्मन नाल लड़दे हुए पहला बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता तो आशीर्वाद लेके जंग विच जाके वीर गति प्राप्त की थी। गंगू दे लालच ने माता जी ते छोटे साहबजादियां नूं वजीर खान दे खूनी पंजां विच सौंप दिता, जिसने काजी नाल मिलके छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच जिन के शहीद करन दा फतवा सुना दिता। दीवार ने बच्चियां दी बहादुरी दी दाद दित्ती ते उन्हां दे चरणां ते डिग पई। वजीर खान दा इशारा पा के जल्लादा ने बच्चियां दे सिर कलम कर दिते। इस तरह गुरु साहब ने सरबंस वार के मानवता की खातर अपना फर्ज निभाया। सरहंद 3 साल बीत गए सन। जिस जगह ते छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच चिण के शहीद किया गया सी, उस दीवार नूं वजीर खान ने टुट्टी दी टुट्टी इस लई छड्ड दिता सी कि ओ भयानक दृश्य लोकां नूं उस दी दहशत दी याद दवांदा रहे। पर इस दे उलट उस टुट्टी हुई दीवार नूं लोकी आके प्रणाम करदे, कईआं नूं तां उत्थों वाहेगुरू वाहेगुरू दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां सन। साहबजादियां दी कुर्बानी वाली जगह ते कोई श्रद्धालु हर महीने उन्हां दी शहीदी वाले दिन जोत जगा जांदा। कौन जगा जांदा ये पता नहीं सी चलदा। अज भी इस महीने दी वही तारीख है। वजीर खान दी दहशत अगे एक केड़ा सिर सी जेड़ा चुकन दी तैयार नहीं सी। कमरुद्दीन, जोत किसने जगाई? पता नहीं जनाब, मैं तो नमाज पढ़ गया सी। ओए मोहतरमा, इधर आ। क्यों कमरुद्दीन, ये और थोड़े होने इतने आई सी? जनाब, बेशक बुढ़ापे च मेरी नजर कमजोर हो गई है, पर अच्छे बुरे दी पहचान है। इन मैं पहले इतने कदे नहीं देखा। ए जोत तू जगाई है? जोत दा साहिबजादे अपने बलिदान दी साडे दिलां च जगा गए ने, जड़ी हमेशा जगदी रहेगी। और कुड़िए, दरोगा साहब नाल उच्चा बोल, चल पा जाए तो चल, नहीं तो तेनू भी बाकी हमदर्दा वांग काल कोठड़ी च बंद कर दिता जाएगा। चल पा जाए तू। कमरुद्दीन, लोकां नूं तां असीं कैद कर लवांगे, पर उन्हां आवाजां नूं किवें कैद करांगे जिहड़ियां इस दीवार च आउंदियां ने? तां ही इस लड़की दे दीवे नूं जलाण तों थोड़ी देर बाद मैं दीवे नूं इत्थों चुक लैंदा हां। इस तरह उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है ते सरकार दे कन्नां तक गल भी नहीं जाती। होरां दी मैं की आखां, मैं खुद कई बार जदों इत्थों दी लंघदा हां तां मैनूं वाहेगुरू वाहेगुरू दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां ने। सुनिया जनाब? जनाब, ये सब दा अफवाहां ने। ओ केड़े वाहेगुरु दी आवाज ते कित्थों आउणी है? वैसे हुण सिखां कोल बचे की है? गोबिंद दे वड्डे पुत्तरां नूं तां तुसीं चमकौर दी लड़ाई च मरवा दिता ते छोटियां नूं सरहंद च मार दिता। हिंदू ते सिखां नूं तुसीं ऐसे भयानक तारे विखाए कि सारे डर दे मारे सहम के घरों घरी बैठ गए।
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਣੀ ਜਿਉਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪਲੰਗ ਸਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਦੋਦਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਧੋਦਾਸ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਰਜੋਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਜਮੁਨਾ, ਗੰਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਧੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਕਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੋਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਦੀ ਤੜਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਵ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਮੈਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸੀ। ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਨੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਰੌਣਕ ਹੋਵੇ। ਜੰਗ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਹ, ਥੋੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ।
कमाल जगह का नहीं है, गुरु साहब का है। जिथे भी जाके बह जाते ने उथे एक नवा आनंदपुर बसा लेते ने। सच कहनी है, जेकर माता सुंदरी जी, माता साहब कौर ते भाई मणि सिंह जी इथे नंदेड़ आ जांदे तां उहनां दा वी इथों जाण नूं दिल नहीं सी करना। मैं सुनिया गुरु साहब जी दी देख रेख च आनंदपुर जो रौनकां सन, उहनां रौनकां वर्गी मिसाल होर किते नहीं मिलदी। मैं गुरु पातशाह जी बारे सब कुछ जानना चाहुंदा, तुसीं तां उहनां नाल बड़ी देर तों संगी रहे हो, दसो ना। माधोदास, दरबार सज दे, बेअंत संगता आउंदियां जांदियां, हर पासे खुशी दा माहौल सी। इना खुशियां नूं होर भी चार चंद पता कदों लगदी सी? कदों भाई साहब? जदों गुरु साहब जी दे चारों साहिबजादे इलाके विच हसदे खेडदे वेख के लोकां दे चेहरे खिल जांदे। जथेदार फतेह सिंह, दरबार विच औरंगजेब ते वजीर खान नूं पेश करो। कोई औरंगजेब बनन लई तैयार ही नहीं हो रहा। हां वीर जी, कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा। खबरदार, इस वक्त असी किसी दे वीर जी नहीं, राजा हां राजा, ओ भी बहुत गुस्से वाले राजा। सतगुरु, राजा तो बड़े गुस्से वाला है। कोई ना, कल साडी वारी है। दोषियां नूं पेश करो, नहीं तो अनु दोहानु बर्खास्त कर दिता जावेगा। रुको रुको खालसा जी, खालसा जी रुको ना। सिंह जी, तुझे थोड़ी देर लई औरंगजेब बन जाओ, तुझे वजीर खान बन जाओ। ओ की कह रहे हो साहिबजादे, मैं क्यों बना औरंगजेब? ओ ना जी ना, वजीर खान ता साडा दुश्मन है, मैं एक दुश्मन कदे ना बना। ओ ता इना नीच है कि जे किते ओ सानू दिस जाए असी ता ओनू ओथे ढा लिए। गंगू, गंगू इधर आओ, इधर आओ ना। ऐ करो गंगू, थोड़ी देर ली औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहिबजादे। गंगू, गुरु माता जी ने जल्दी बुलाया है। तुसी अपने पिंड खेड़ी जाना है ना? जेकर तुसी साडी गल मन्नोगे तां असी गुरु माता जी नूं कह के तुहानूं 8 दिनां दी छुट्टी दवा देवांगे। एक गल ते फिर ठीक है, वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं, वजीर खान मैं इसनूं पहला देखा सी। ओ पहला तुसी दोवें भरा फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हां या औरंगजेब। उसदा फैसला असी करांगे, सानू पहला औरंगजेब की जरूरत है। हाँ ता महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब, तुहानू असी अपने गुरु दादा जी दे कीते जुलम दी सजा देना चाहुंदे आ, पर असी हत्थे ते वार नहीं करदे। तुहानू साडे नाल युद्ध करना पवेगा। जे तुसी जीत गए ता सजा माफ, जेकर असी जीत गए ता तुहानू साडा मुल्क छड़ के जाना पवेगा। महाराज, मेरी औकात नहीं है युद्ध जीतने दी, मैं बिना युद्ध किते ही तुहाडा मुल्क छड़ के जान लई तैयार हां। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मैनू गुस्से होणगे। महाराज, औरंगजेब तां भज गया। देख लियो, एक दिन सारे मुगल इसे तरह साडे मुल्क नूं छड़ के भज जाणगे। महाराज, बहुत मेहनत कीती है तुसी, औरंगजेब तां भज गया, हुण तुहानूं भुख लगी होवेगी, चलो चल के कुछ खा लो। नहीं, हाले सानू बहुत कम है। सोच लो महाराज, मक्खन नाल गरम गरम चूरी तैयार है, की ख्याल है? मक्खन ते चूरी? चूरी मक्खन, चूरी मक्खन। दरबार बर्खास्त किया जाता है। दादी माता। पुत्र, मक्खन ना आ जावे फेरी देवांगी ना।
पहला वड्डा खाएगा ताई वड्डा होएगा। क्यों छोटे पहला खाके वड्डे नहीं होंदे? जेड़ा वड्डा ना छोटा उन्हें तो भुखा ही रह जाना। ओ प्रेमो आई मदानी नु भी पता है तुहाडी भुख दा, अज तो पहला नालों किते भी वध मक्खन निकले, बच्चा नु मक्खन फड़ा दे। रची जाने हो आज चुरी किन्ने खानी है? चुरी मेनू दियो गुरु माता, सची आज तो बड़ी भूख लगी है। गंगू चुरी नहीं ले आया? ले आ रहे माता जी। गंगू तू 8 दिना दी छुट्टी दे लालच विच औरंगजेब बनन नु तैयार हो गया, जेकर तैनू वड्डा लालच दिता जावे तां भला तू की कुछ करन नु तैयार हो जावेगा? नहीं जी, मैं तो बस इंज ही खेड रहा सी। खेड विच भी रिश्वत रहना ठीक नहीं। हाँ जी जी जी। पुत्तर तू सवेर तक किथे गया सी? गुरु माता जी पहाड़ी राजियां ते मुगल फौजां दी नियत कुछ ठीक नहीं लग रही, गुरु पिता जी कोल बैठे सलाह मशवरा कर रहे सी। वी जी पर साडी सिखा दी फौज मुगला दी फौज नालो घट क्यों है? शेर गिनती च घट होंदे ने पर राज पूरे जंगल ते करदे ने। सुरावर सिंह शेर दी तरह टुट के पै जा। हाँ हाँ वीर जी आ वेखो। मैनू भी खिडाओ। ओ हो फतेह सिंह तू एक पासे हट जा, तू हले छोटा है। देखो वीर जी ओडा आप नहीं जिड्डी वड्डी डांग चक्की फिरदा है। पहला साडे जिड्डा ता हो जा फिर आके साडे नाल एहो जी खेड खेडी। फतेह सिंह जी हुण जाओ इत्थों। ओहो इन्ना उतावला, आपे तो कहने हो वीर जी पूरे जोश नाल चल ध्यान नाल खेड। मैदान च काम आंदा है। फिर ता मैं जरूर सिखांगा, मैं भी युद्ध जावांगा। जल्दी जल्दी खिडाओ मेनू नहीं ता मैं अजीत वीर जी नू दसांगा। चल फतेह सिंह हुण जल्दी हट जा वीर जी खेडो ना। हाँ चल ध्यान नाल खेड। अज किसी नू डांट पवेगी, अज किसी नू डांट पवेगी, डांट पवेगी डांट। वीर जी खेडो ना। फतेह सिंह की हो गया तेनू? मैनू अजीत वीर जी ने कहा है जेकर कोई मेरी गल ना मने जा मैनू कोई तंग करे मैं उन्हां नू जाके दसा। वीर जी खेडो ना। चल आजा आजा खेड। ता अज किसी नू डांट पवेगी, अज किसी नू डांट पवेगी, डांट पवेगी डांट। आओ तशरीफ ले आओ। चलो 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 चलो। बाबा फतेह सिंह दे सिर ते दस्तारा वेख के गुरु पातशाह ने निहंगा दी प्रथा शुरू की थी। फतेह सिंह सब दे लाडले सी, इसे लई सिख संगता निहंगा नु भी गुरु साहब दियां लाडलियां फौजां कह के बुलांदियां ने। आनंदपुर दा धोखा, सिरसा दा कहर, गंगू दा लालच ते चमकौर दे घमासान युद्ध तो बाद मुगलां दे सख्त पैरे नूं तोड़ गुरु साहब माछीवाड़े तों सालोनी पिंड हुंदे होए पिंड जट्टपुरे विचों दी लंघ रहे सन कि रस्ते विच उन्हां नूं रायकोट वाला चौधरी राय कला मिलिया। सच्चे पातशाह जीओ मैं तां तुहाडे पालकी च दर्शन करके ही धन हो गया, होर कोई सेवा है तां हुक्म करो। गुरु साहब ने कहा किसे भरोसे वाले समझदार गुरमुख प्यारे नूं सरहन भेजो, असि माता जी ते छोटे साहबजादियां दे हाल बारे जानना चाहुंदे हां। सरहंद वलों आ रहियां हवाओं विच बेचैनी है। गुरु पातशाह जी मेरे नौकर नूरा माही दी भैण दा निकाह सरहंद विच होया, आपां इस नूं हुणे भेज दिंदे नाले किसे नूं शक वी नहीं होएगा। रसिया वेख मैं तेरा वीर रायकोट तो तेनू मिलन आया, मैं ता सोचा सी मेरी रजिया भैन
मेरे नाल लड़ोगी कि मैं उहदे कोल इन्नी देर बाद आया, पर तू तो मेरे नाल भोरा भी गल नहीं कीती। की गल, इन्नी नाराज अपने वीर नाल? रजिया नूरा सारा कुछ खुल के दसो, असल चैनू होया की है? गुरु गोविंद सिंह जी दे छोटे साहबजादा जदो दीवार च चुनिया गया सी कि रजिया उसे जगह तो थोड़ी ही दूर खड़ी सी। लेकिन ले टोटर मल ने वजीर खान कोलो जगह खरीदी है ते हुण उस जगह ते माता ते बच्चा दा संस्कार कर रहा है। ओथे की हो रहा है लखी? बड़ी हिम्मत कीती सी साहब ने कहा, मुगलिया सल्तनत की जड़ पुट्टी गई, हुण इहदे दिन उंगलां ते गिने जा सकदे ने। कौम की खातर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले दे मत्थे ते भोरा भी शिकर नहीं। हां, जब कदी भी असीं उहनां नाल माता जी जां साहिबजादियां दी गल करदे हां तां तेरा भाणा मिठा लागी कह के गल शुरू होने तो पहला ही खत्म कर देंगे। अज दे दीवान की समाप्ति होने तो पहला जेकर संगत विचों किसी ने कुछ पूछना होवे तां पूछ सकदा है। गुरु जी, जेकर कोई पाप करदा है तां कि उसनु इसे जन्म विच ही भोगना पैंदा है? हां बिल्कुल, गुरु साहब ने समझाया, पापों का हिसाब इत ही देके जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुरा के कहा, तां आखिर तुसी पहुंच ही गए। बड़ी दूरों आए लगते हो जी। गुरु जी सानू आशीर्वाद दियो। गुरु साहब ने कहा, वाहेगुरु तुहाडियां मुरादां पूरियां करे। गुरु जी, पापी ते अपराधी विच की अंतर हुंदा है? पापी ओ हुंदा है जो पाप करन बारे सोचे, अपराधी ओ हुंदा है जो सोचे हुए पाप नु अंजाम तक ले जावे। की पापी दा चेहरा पढ़िया जा सकदा है? पापी दा पाप उदे चेहरे ते साफ शब्दां च लिखिया हुंदा है, जिस नु असीं सिर्फ मन दी आंखां नाल ही पढ़ सकते हां। एह तां फेर तुहाडे वर्गे अंतरयामी ही पढ़ सकदे ने, असीं तां किसे वेले भी धोखा खा सकदे हां। गुरु साहब ने याद कराया, धोखे नाल ही तां पंजवें पातशाह नु भी लाहौर बुलाया गया सी। की उहनां नु पता नहीं सी? पता सी, पर रब नू प्यार करन वाले रब दी रजा च रहना पसंद करदे ने। गुरु जी, तुरका दे पापां दा हिसाब कौन करेगा? की कदे ओना नू भी ओना दे जुल्मा दी सजा मिलेगी? गुरु साहब ने सोची पाई, जेड़ा अनाज धरती ते बीजोगे ओही उगेगा, ओही वडना पाएगा। वडन दी रुत कदों आएगी ए निरंकार जानदा है। गुरु जी, एनी तां गर्मी नहीं, फिर इन दोहां ते मत्थे ते पसीना, इन्हां दोहां दी अखां विच मैं अजीब जी बेचैनी वेखी है, बाकी तुसी जानी जानो। गुरु साहब ने समझाया, खालसा जी हर एक प्राणी अपने आप पूरा ब्रह्मंड है, किसे दे ब्रह्मांड च चाक के देखोगे तो ओदे गुण अवगुण तुहाडे अंदर आ जाणगे। चंगा यही होएगा कि असी अपने अपने ब्रह्मंडा की खोज करिए
ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਰਾ ਦੇ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਧੋਦਾਸ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ, ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪਗੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਬੈਠੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਬੇਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਏ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁਣ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਹੇਲੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ,
थाटे मुंह की ही शक्कर, समझ नहीं आ रही थाटा किवें शुक्रिया अदा करा। तुसी सानू जिंदिया च कर दिता। सुखा सिंह मैनू ये दस रहा सी कि मेरे चारे लाला बारे है ना सुखा सिंह? चारे? हाँ बोल। ओ चारे उठे? ओ चारे उठे ने, ना फिर देर किस गल दी, जल्दी करो, जी करता है हुने उन्हां चारां नूं कुट के सीने नाल ला लवां। इंज लगता है जिवें अपनी औलाद दा निक महसूस कर रही हां। अपने पुत्ता नूं मिलन दा बड़ा चा है, जल्दी तलवंडी पहुंचिए। बड़े चावां नाल चलो माता साहिब कौर के पुत्ता दे दी। दस हुण सुखा सिंह मैं तेरियां गल्लां माता जी नूं किवें दसां? सच्चे पातशाह साडे इस दा हिम्मत नहीं माता जी दे सदर हते चावां परे दिल नूं ठेस पहुंचाउण दी। गुरु जी सानू माफ कर देना, ये काम हुण तुहानूं आप ही करना पवेगा। बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे, पुत्त पौणगे गले जे ठंड मेरे ते सामणे दा तार होणगे। की सोचे सामणे दा तार होणगे, बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे। देर लगेगी? बस पहुंचने वाले। पहुंचते ही चूरी बनवा लेना, मेरे लाल बहुत खुश होके खांदे ने। हुणे मेरे सामने किसी सेवादार नु कह दियो। हुणे कहना माता जी, फकीर सिंह ते सारी चूरी बनवा के गुरु साहब कोल पहुंच जाई। चुम चुम निके आनू गोदी च खिडावा, वड्डे आनू कुट के गले च नाल लावांगी, गले च नाल लावांगी। रखा हिक च बना के चैन दिल दा, रखा हिक च बना के चैन दिल दा, ओ अखा दे कुमार होण गे ते सामने दा तार। बड़े चावां नाल तुरी सी मां के पुत्तां दे दीदार होणगे। गुरु साहब ने कहा उठ भी जाओ, आना जाना मिलना विछड़ना इसे नाल ही निरंकार दी दुनिया चलती है। पागां च लिखिया जीव आत्मा नूं भोगना पैंदा है। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग। माता जी कितने नजर नहीं आ रही? निरंकार दी रजा च खड़े गुरु साहब ने कहा मैं ता बच्चे ते माता दोहन देख रहे हूं। किथे ने? गुरु साहब ने कहा मेरे सामने माता माता जी भी ने ते आ बच्चे भी ने। जी मैं अपने बच्चे बारे पूछती हूँ। गुरु साहब ने कहा मैं भी बिगानिया वाली इशारा नहीं किता। जी मैं माता जी ते चारों साहिबजादियां मारे पूछती हूँ। गुरु साहब ने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। Yeah, yeah.
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਕਤ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਤਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੰਬੂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। Thank you.
वजीर खान ने गुरु तक जख्म का फट काफी डूंगा सी। वैद ने उसनु सीके खून रिसना बंद कर दिता, पर जख्म की डूंगाई बारे उसनु ठीक अंदाजा नहीं सी लग सकया। गोदावरी दे कंडे बादशाह बहादुर शाह दे डेरे तो सिंघा ने एक अंग्रेज डॉक्टर नु लिया के इलाज कराया। उसने तसली दिती कि जख्म ठीक हो जाएगा, पर घटो घट 6 महीने गुरु साहब नु आराम करना पवेगा, ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। बंदा सिंह, मैं तुहानू कहा सी ना, वो शांत नहीं बैठेगा। जालिम वजीर खान, पंजाब तो सुनेहा आया सी कि गुरु साहब दे भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए ने। लोकी घरां दीआं छत्तां ते खड़े होके सच्चे पातशाह दी राह देख रहे ने, पर गुरु साहब दी छाती दा जख्म उन्हां नूं कोड़े दीआं लगामां नहीं फड़न दे रहा सी। इस लई उन्हां ने चुने हुए सिंघां दे इकट्ठ विच पंजां प्यारां दी सहमति नाल अपने घोड़े दे शाह सवार नूं नियुक्त करन दा फैसला सुनाया। पंजाब नूं जाण वाले जत्थे दी अगवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहिब जी। मैं इस नूं अपनी कुछ सौगातां भेंट करना चाहांगा। इह ने साडे पत्थे दे 5 तीर। ओ है नगारा खालसे दे गर्जन दी आवाज, यह है केसरी निशान खालसे दी पहचान। हुण असीं तैनूं दसदे हां कि असीं किस रूप च तेरे नाल होवांगे। गुरु साहब ने फिर भाई विनोद सिंह, कान सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह ते भाई राम सिंह नूं अग्गे बुलाया। इह ने 5 प्यारे, इन्हां दे रूप च असीं हर वेले तेरे नाल होवांगे। इन्हां दी रज़ा च रह के तैनूं चलना पवेगा, इन्हां दे हुक्म नूं तू अटल करके मन्नेगा। जो हुक्म गुरु साहिब जी। फिर गुरु साहब ने 5 प्यारियां नूं समझाया, तुसी 5 प्यारियां ने बंदा सिंह दा ख्याल रखना है। जद कदी भी एक खालसा पंथ दी नीति तो पटके, इस नूं सही राह दे मार्ग दर्शन कराउणे। साडे कोल समां बहुत घट है, 80-25 सिंह होर तैयार कीते ने जिहड़े तुहाडे नाल जाणगे। मुगलां दी पैरियां नजरां तो बच के तुसी सारिया ने बड़ी फुर्ती ते चुस्ती नाल इत्थों रवाना होना है। 5-5 सिंघां दा जत्था बना के निकलना है, लम्मा रस्ता लैना पवे कोई परवाह नहीं, लै लेना। पिंड बुढ़िया पहला पड़ाव होएगा। बंदा सिंह, घोड़े दियां लगामां तेरे हथ होणगियां। तू सिंघां दे जत्थे दा सरप्रस्त, लड़ना पै जावे तां मेरा इंतजार नहीं करना, पिछे कदी नहीं हटना। किसे ने कहना सुनना होवे, कल सवेरे जत्था पंजाब नूं रवाना होएगा। तू तां एकदम पछाण लग रहा है। हाँ, कोई पछाण च नहीं आउंदा। मुगलां दीआं भैड़ियां नजरां तों बच के जो निकलना है। साहब मुस्कुराए ते कहा, सानू पता सी तू आएगा, कोई सवाल जी? सिंह तां होर भी बहुत ने जिहड़े शुरू तो ही तुहाडा संग करदे आ रहे ने, फिर तुसी इस बंदे नूं ही क्यों
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੁਕੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਟੇਡਾ ਸੁਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਢੇਰੀ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਟੱਕਰਨਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ?
जा तुम मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किच मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी सौंपण दे बाद जिस शाम गुरु साहब ने संगत नूं दोबारा इकट्ठा किया उस दिन नांदेड़ विच सवेर बड़े अनोखे ढंग नाल होई सी। पंछी चहचहाए नहीं, मोर हिरण मस्ती मारन दी बजाय उदास अखां नाल गुरु साहब दे डेरे वल देख रहे सन। संगत भी घबराई हुई सी। गुरु साहब ने संगत नूं समझाउंदिआं कहा, खालसा जी साडी तुहाडी ये आखिरी मुलाकात है। साडे जख्म दी पीड़ा विचों सानू ईश्वर दा सुनेहा आ रिहा है। कुछ ही देर बाद असीं अपने आखिरी साह लवांगे। रब दे वास्ते गुरु जी इंज ना कहो। सच्चे पातशाह सानू छड्ड के जाना की ये उचित है? गुरु साहब ने समझाया, जिवें निरंकार दे दित्ते स्वास पूरे हुंदे ने, मौत इंसान नूं अगले सफर दा मुसाफर बना दिंदी है। रब नूं प्यार करन वाले जमन मरण तो रहत हुंदे ने खालसा जी, ना पहलियां पातशाहियां दुनिया छड के गईयां ते ना असी जावांगे। हां अकाल पुरख दे हुक्म नाल इह पंज तत्तां दा शरीर छड के असी अकाल पुरख विच अभेद हो जावांगे। फिर जिहड़ा सानूं सच्चे दिलों याद करेगा असी उस कोल हाजिर हो जाया करांगे। तुसी अज तो परचा शब्द दा पूजा अकाल पुरख की दीदार खालसे दा सिद्धांत ते पहरा देना। वेला आ गया, चंगा हुण सानूं जान दी आग्या दिओ। साडे वलों सरबत संगत नूं फतेह परवान होवे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गोदावरी कंडे बैठा बहादुर शाह सेना समेत दिल्ली नूं मुड़ गया। दक्षण विच फैली बगावत लगदा हुण शांत हो गई। तू सिखां बारे की कह रहे सी? ओए हुण ते लगदा नांदेड़ बैठे सिंह भी पंजाब नूं परत जाणगे। क्यों? मारी खबर है उन्हां दे दसम गुरु गोबिंद सिंह इस दुनिया तों चले गए ने। की होया सी? बीमार सन? नहीं, सुणिआ छाती ते कोई जख्म सी जिहदा जहर सारे शरीर विच फैल गया सी। इनी खुशी तो मेनू खुदा दिल्ली दे तखत ते बैठा देवे तां भी ना मिले जिनी गोबिंद दी मौत दी खबर सुन के मिली है। हुण सिखां दा अंत हो गया। जश्न हो। इंज लगदा जिवें सिर ते आसमान ही नहीं है। प्यो दे मरण तो बाद पुत्र नूं परिवार दी जिम्मेवारी दी पगड़ी पहनाई जांदी है। इस लई गुरु साहब ने सानू सब नूं पगड़ी पहनाई है। हुण उहनां दे सुपनिआं नूं पूरा करन दी जिम्मेवारी साडी सब दी बनदी है। ए तुसीं की कह रहे हो? गुरु साहब नूं कुछ नहीं होया?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਨੋਖੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਨਾ ਮੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਜੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜੇਗਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या साढ़े नाल मिलना जाएंगे। पर असि खुद तंगी चा उन्हां सब दा ख्याल किवें रखांगे? जद कोई औकड़ आवे ते जिथे अपना जोर ना चले बस कलगीधर पिता अगे अरदास करो, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई ते सानू दिल्ली भी नहीं जाना पिया। ए लुबाड़े सिखां दे दसवंद नाल साडियां मुश्किलां दूर हो गईयां। ए ते भज रहे बंदा सिंह जी, कुछ लोगों का चुट साडे वल नूं आ रहा। ये तो किसी पिंड के लोग लगते ने। सारा समान उत्थे ही है, जो चाहिए जाके लुट लो, मैनू ना मारो। असी लुटेरे नहीं आ। देखो मेरे कोल कुछ नहीं है, जाओ साडा पिंड लुट लो, जाओ। कौन लुट रहे तुहानू? खून खा डाकू रणवीर सिंह, तुसी उहदी आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं, असी कोई डाकू नहीं आ, डरो ना, असी तुहानू इन्हां डाकुआं कोलों बचावांगे। पागल पिंड से हमला बोलन वाला, घबराओ ना विनोद सिंह जी, ये पंजाब जलसारमा के खिलाफ साडा पहला कदम ते पागल च डाकू रणधीर सिंह दा आखरी। कल्ले आ बुरा मेरे बंदा तभी दे दे आगी, लोका दे अच्छे जही जागी। उस्ताद पिंड खाली है, जाओ घरों लुटो, जिस घर चो कुछ नहीं मिलता उथे अख लगा दो। रणधीर सिंह इन्नी हिम्मत कितों आई? मेरे आउण दी खबर सुन परिंदे भी आलना छड़ जांदे ने। हुण तो मेरे आउण दी खबर सुन उजड़े पिंड भी बस जाणगे। जिस दे सिर ते मुगलां दा हाथ होवे उस रणधीर सिंह नाल टक्कर। दोस्त ने नेकी उन्हां दी पहचान है, उस गुरु दा थापड़ा लै तुरिया, बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। Oh.
सिंह कदे निहत्थे ते वार नहीं करदे। हले सब नू खुद ले लड़ना पवेगा। जांदा जांदा पता नहीं केड़ी मुसीबत साडे गल पा गई। जुल्म सहंदे कई कस्बे ते तहसीलां नूं उसने आजाद कर लिया। उसकी बहादुरी दी गूंज ने वजीर खान दे सिंघासन दी नींव ला दित्ती। क्यों आली सिंह माली सिंह, सिखां दा इक होर गुरु जम पिया। दिल्ली दे नाल लगदे पंजाब दे छोटे मोटे कस्बियां नूं जीत के ओ की समझदा है? सरहद नूं हथ पाऊ ए सारिया सिखां नूं साडे सरहद जी आके क्यों मरना हुंदा? हुण ऐ करो, ओदे ताईं पैगाम पहुंचाओ, कहो के मेरे नाल टक्कर लैके मखावे, देखियो फिर उस बंदे दा बहादुरपुणा किवें निकलदा है। तुहाडे गुरु नूं तां मैं दखण वल धक्किया है, ओ उत्थे खतम हो गया। ए गुरु दे बंदे दियां हड्डियां दा तां मैं सुरमा बना के सरहद दे लोकां दियां अखां विच पावांगा। बस इत्थे ही चुप हो जा वजीर खान। असीं अपने गुरु जी दी ते उहनां दे भेजे होए जथेदार दी होर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करांगे। इन्नी हिम्मत? हां, याद करो इसे कचहरी च खड़े होके छोटे साहिबजादियां ने की किया सी। जदों जनाब ने पुछिया सी जेकर तुहानूं आजाद कर दिता जावे ता तुसी की करोगे? पर मैं इना कोलो ए ता पूछ लवा कि ए आजाद होके की करनगे? ओही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जेडियां सिंघां दियां आउण वालियां नसलां करनगियां। आखरी सां तक जुल्म ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें? असी अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फेर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। ओही सब हो रिहा है, उन्हां नूं ते शहीद कर दिता है, पर उन्हां दे कहे बोल तां टल है ना। गुरु दे सिंह फिर तो इकट्ठे हो गए ने ते जल्द ही बंदा सिंह बहादुर दे सच्चे हथ दा अंगूठा तेरी कंडी नप देवेगा। खामोश गुस्ताखो, इन्हां दोहां नूं कोठी च बंद करो ते इन्हां लई भयानक मौत दा इंतजाम कीता जावे। भयानक मौत तां तेरी पंजाब विच पहुंच चुकी है वजीर खान, झट हुण तो ओहदे हाथों बच नहीं सकदा। बंदा बहादुर, कल कैथल तो कुछ लोग मिलन आ रहे। खालसा जी, जेड़े सिंह असी पंजाब चिट्ठियां देके भेजे सी ओ कुछ खबरसार लेके आए ने। हां हां, भेजो उन्हां नूं। सिंह जी, मैं समाणे जाके आया जी। समाणे नूं जेकर असी बाहर तो देखिए ता बड़ा खूबसूरत लगता है, जे अंदर जाइए ता हालात कुछ होर ही नहीं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाणे तो भजण दी कोशिश हो गई है, पर तुहाडा कर्जा नहीं उतरिया। थक गया तुहाडा कर्जा ला ला के, इस बच्चे ते रहम करो ते मैनूं मुक्त करो। दे दिओ इहनूं मुक्ति, जानो मार के पुठा टंग दिओ। ए समाणा है समाणा, इथों कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर नहीं जा सकता। की कर्जा सी उस गरीब दे? कर्जा तो कुछ है ही नहीं जी, पहला तो उस गरीब तो काम करते एक डंग दी रोटी देंदे ने, फिर जदों ओह भुखे मरदे रोटी लई होर पैसे मंगदे ने तां उन्हां दे ही हक दे पैसे उन्हां नूं कर्जे दे रूप विच दित्ते जांदे ने, ताकि ओह सारी उमर उन्हां थले दबे रहे ते लोक पुश्तां दर पुश्तां कर्जे दी चक्की विच पिसदे आ रहे ने। जे किसी दे मरिया आपणियां नूं उन्हां दे धर्म अनुसार विदाई ना मिले तां सोचो की हालत होंदी होणी। ओही हालत सडोले दे लोकां दी है।
जरूरत तू सडोरे का कानून तोड़िया एदी बाप की लाश नूं इत्थे ही दफन कर दियो। चुक पोलिश मैं देख के आया उसनू दस्या मेरा सिर शर्म ना चुक जाता है। एहो जिहा की हुंदा उत्थे डोली किस जात दी जां किस धर्म दी होवे कपूरी विच उसका पेंडा कादरू दीन दी हवेली तो होंदिया होया ले जा सकते हो अपनी धी नू एदे पति कोल। कादरू दीन दी हैवानी एदे डर तो कपूरी दे लोकां नू इस रस्म दी जिवें आदत ची हो गई होवे। बाकी कैथल दे भवानी बस सड़क पंजाब का नरक की पट्टी च गर्क हो गया है। मैं तो उदास वो केड़ा ऐसा मंत्र है जेड़ा शरेआम हो रहे अत्याचार वाली तेरा ध्यान नहीं जान देता। मेरी मन एक बार फिर तो सफर शुरू कर राह विच तेनू गरीब मेहनत कश रोंदे हुए किसान मिलणगे उन्हां दे हंजू पूंजी उन्हां दीआं मुस्कुराहटां पिछे बैठा परमात्मा तेरी उड़ीक कर रहा है। असीं अपने बंदिआं नाल इस वक्त इत्थे हां। साडा मकसद सरहंद है पर सरहंद पहुंचण तक सानू सब तो पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। पर समाने दी फौजां दी गिनती तां काफी है। हाँ उम्मीद है साडी भेजियां हुई चिट्ठियां राही तद तक साडे नाल हजारां लोग जुड़ चुके होणगे। रिश्तवाणी तक पहुंचण दा खर्चा कैथल ते सोनीपत दे अमीरां चौधरियां ते फौजदारां ने अपने ते गरीबां तो लुटे हुए पैसे सरकारी खजाने च रखे हुए ने। मेरी नजर उन्हां ते है। आप जी पंज प्यारियां दी की राय है? बंदा सिंह ने फिर सोनीपत ते कैथल दे खजाने ते अपनी मोहर लगाई। हौली हौली बैरागी सिंह ते भाई फतेह सिंह भी अपने जत्थे दिया बंदा सिंह नाल मिल गए। मैं ते सिखां नूं किसे चर्चा दे लायक ही नहीं समझदा ते तुसी सिखां दे हमले दियां फवावां सुन के समाणे दे सारे अमीरां नूं इकट्ठा कर लिया। ओदी ताकत दिन ब दिन वधण लगी हुण उहने अपना रुख समाणे वल नूं करता। बंदा सिंह ने समाणे ते हल्ला बोल दिता। जदों सिंघां दे जयकारे आम किसानां ने सुने ते उन्हां दे हौसले होर भी बुलंद हो गए। हथियारां दी जगह जिहदे हथ जो भी आया उह लै के अमीरां दे पिछे पै गया ते हल्ला बोल दिता। देखदिआं ही देखदिआं समाणा तबाह हो गया। बंदा सिंह हीरे जवाहरात जो चाहिदा लै ला, मैनू छड़ दे मुक्ति दे दे। दे दे मैनू मुक्ति चौराहे ते लै जाके पुट्ठा टांग दे। छोटे साहबजादियां नूं दीवार च चिरन वाले जलाद शासल देव ते पाशल देव समाणे दे रहण वाले सी। बंदा आ गया सानू माफ कर दियो, इह सब वजीर खान ने कीता सी, साडा कोई कसूर नहीं। ना ना तुहाडे गुनाह वी उस दरिंदे नालों घट नहीं है, सिर्फ तुसी हां कीती सी, सारी सरहंद ने ना कह दिती सी। अपनी आजादी लई तुसी दो मासूम बच्चियां नूं जिंदा दीवार विच चिन के सा घोट के मारना चुनिया। मैं दसदा तुहानूं सा घुटण तो बाद जिवें हुंदी है मौत।
इतनी बर्बादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुए। गुरु जी ये सब कर ली था तुसी मैंने पंजाब नहीं सी भेजिया। सच्चे बादशाह अज किते फिर तो नहीं मेरे हाथों हिरनी दे बच्चा दा खून हो गया। नहीं बंदे तू कुछ नहीं किया, गुरु साहब ने कहा। अंतर्यामी बादशाह मेरे दिल की हालत तुहाडे तो सिवाय होर कौन जान सकता है, मैनू बख्श दिओ। गुरु साहब ने समझाया ये तो जालम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फुटिया जिदे लावे विच वो आप ही बह गए ने। पर गुरु जी सानू लोगों नू थोड़ा होर समझाना चाहिदा सी, रुकना चाहिदा सी। गुरु साहब ने सोची पाई इस नफरत दे तूफान अगे जेकर तू खड़दा तां इस तूफान ने तेनू भी नाल उड़ा के लै जाना सी। बंदे तेरे वाली गलती हरेक इंसान करता है जदों वो ये सोचता है कि इत्थे जो कुछ भी उस नाल हुंदा है उसका कारण भी वो आप है, जबकि इत्थे जो कुछ भी हुंदा है निरंकार दे हुकम नाल हुंदा है। बंदा सिंह ने वो दौलत जड़ी अमीरा ने गरीबां कोलो लुटी सी उस दौलत नू वापस गरीबां विच ही वंड दिता। एहो जिहा हाल ये तो मेरी दादी कोल नहीं सी। हाँ ये तो वही है। आओ वेखो काके दे बापू, बंदा सिंह दी रहमत ने तुहाडे बच्चे नू कर्जे तो मुक्त करवा दिता। तुहाडे किसानां कोल किन्नी किन्नी जमीन है? 2 बीघे, 4 बीघे, मैं 5 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे। जमीन साडी नहीं है जी, असी तां वाहुंदे आ। अज तो बाद ये जमीन तुहाडी है। ओ सच, ये सच कह रहे ने, होया की हो गया? भाई फतेह सिंह जी, मालक ओ जिहड़ा जमीन वाहुंदा है, हुण तुसी समाने दे फौजदार हो। जिहड़ा जिहड़ा जिन्नी जमीन वाहुंदा है उस जमीन दा उहनां दे नां ते इंतकाल करा दिओ। आज तो बाद जमींदारी खत्म। हजूर हजूर, समाना तबाह हो गया। खान साहब खबर मिली है कि वड्डी गिनती च लोग माझे मालवे दे इलाके च इकट्ठे होके बंदा बहादुर दे जथे भी शामिल होने जा रहे ने। नहीं मैं हुण नहीं दियांगा। सरन दे इस तरफों सिंघा दा जत्था दा की सिंघा दा कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। जेड़ा बंदे दा नां लवे उसकी जबान खिंच लो, जेड़े कदम ओदे वल वधन उन्हां कदमां दे टकरे कर दियो। हुकम दी तामील हो। बंदा सिंह वजीर खान की हर चाल तो वाकफ सी। उसने अपना रुख सतलुज वालों का दिता जिथे माझे ते दुआबे दे सिंघां नू नवाब मलीर कोटा ने रोकिया होया सी। बंदा सिंह दा विजय रथ सतलुज तक थमिया नहीं, उसने गुराम केसर शाहबाद अते मुस्तफाबाद ते जबरदस्त जित हासिल कीती। फेर कपूरी दी इट नाल इट वजा दिती। उस च भरे लोग कपूरी दे अयाज फौजदार कादर उल दीन की लाश दे थुक दे ते पत्थर मार दिती। बंदा सिंह ने फिर सडौरे ते चढ़ाई दिती। सडौरे के फौजदार उस्मान खान ने वीर बुकू शाह सिर्फ इसलिए मार दिता सी क्योंकि उसने फंगाणी के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद की। उस्मान खान मारिया गया, सडौरा आजाद हो गया। लोगों ने अपने प्यारियां दियां देहां नूं कबरां चों कढ के उन्हां दा दाह संस्कार कर दशमेश पिता दा शुक्रिया अदा कीता। वजीर खां दे दिन हुण गिणती दे रहे ने, हुण तां ओह बेचारे ने गिणने भी शुरू कर दित्ते होणगे। सानू दुआबे ते माझे दे सिंघां नूं तां बदले दे उस दिन दा इंतजार है जदों साडे हत्थां विच नंगियां तलवारां होणगियां ते सामने वजीर खां दा सिर। हां साहबजादियां दी शहादत दा बदला लेके ही सानू चैन मिलेगा। ओ जी करदा सलंद नू अग ला दिए। मलेरकोटले दे नवाब नू चंगा सत्कारया, नू चंगा सत्कारया। साथियो मैं तुहाडे जज्बातां दी कदर करदा, लेकिन मैं एक गल साफ तौर ते कह देना चाहुंदा, गुरु साहिब ने मैनू अपने साहबजादियां दी शहादत दा बदला लैण लई नहीं भेजिया। साडे गुरु साहिब ईरखा द्वेष वैर भेदभाव तो उपर सी, उन्होंने बदले की भावना नाल कदे कोई काम नहीं किया।
न्याय की लड़ाई विच उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के कातल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिता ते ना ही उन्होंने लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है तुहाडे सारिया विच सब धर्म के सिपाही हैं उन्होंने तो मैनू पंजाब नू मुगलों के अत्याचारों तो मुक्त करके सुनहरा पंजाब बनाने लिए भेजा है साडे मकसद की राह विच जिहड़ा भी अत्याचारी सानू मिलेगा असी उसनू सजा देवांगे भावे वजीर खान होवे जां कोई होर मैं जानदा वजीर खान इंसान नहीं दरिंदा है इस दरिंदे लई साडे पंजाब विच कोई जगह नहीं सजा उसनू जरूर मिलेगी किवें भुल जावां उस ठंडे बुरज नू इतने खड़े होके उधर नू की देखते रहते हो फिकर ना करो जेड़ा सडोरा विच होया मलेरकोटला दे नवाब नाल सतरुचे होया इस तरह का कुछ भी सरहंद विच नहीं होएगा जित मेरी होएगी मुगलां दे कई सालां दे इतिहास विच इन्नी वड्डी जंग ना किसी ने हारी है ना मैं हारांगा त्यों बंदा सिंह उन्हूं ऐसी मौत दियांगा जिन्हूं वेख मौत भी मेरे तो खौफ खाएगी बुरज तो आंदे सुन नहीं पाते ठंडे नेरे नूं क्यों नहीं समझते गुरु साहब दा आशीर्वाद लैके नंदेड़ तो असीं 31 निकले सी उन्हां दी मेहर नाल अज गिणती हजारां विच है मौसम खुल रही सरहंद ते हमला करांगे उदों तक तां इन्हां नूं युद्ध कला दे हर पक्ष च माहिर कर देवांगे मावां ने पुत भैणां ने वीर ते सुहागणां ने सुहाग हस हस के युद्ध लई तुरे होणगे कलगियां वाले पातशाह तेरे बंदे विच इन्हां बंदियां दे विश्वास नूं मैं कदे ठेस नहीं पहुंचण दवांगा मैं तां मर के भी इन्हां दी कुर्बानी दा मुल नहीं चुका सकदा उल्टे होर ज़माने आए तां मैं भेद सज्जन दे जोश भर के बंदियां दी ऐसी माला बनाई कि अज उहदे इक इशारे ते लोग जान निछावर करन लई तैयार हो जांदे ने तुसी बिल्कुल सही फरमाया बाबा भुले शाह जी जिवें तुहाडी कलम लोकां नूं पाखंडियां नालों तोड़दी है उवें बंदा सिंह दी सोच जालिमां दे खिलाफ आम लोकां नूं इक दूजे नाल जोड़दी है भुखे प्यासे गरीब लोकां दी पीड़ा नूं तां इक नेक दिल इंसान ही अपने अंदर महसूस कर सकदा है मैं तां कुछ कहते रुक गए साई जी कहांगा मुंह आई बात ना रहंदी है हुण रब दी रजा विच ना रहण वाले जालमां दा माड़ा वक्त आ गया है मुंह आई बात ना रहंदी है मुंह आई बात ना रहंदी ਭਤੀਜਾ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਟਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲਈ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰੋਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਲੁੱਟ ਖੜੋ
जंग जितन तो बाद बंदे दी सजा बारे कुछ सोचे? मैं उदे 40 टुकड़े करांगा ते सिर सरहंद दे किले ते गढ़ के लोका लई नुमाइश लगावांगा। पर सिर दा कास क्या रखे हजूर, हे अपने नवे गुरु दा चांदनी चौक जो सिर चुक के लगे सी। ते सरहंद है दिल्ली नहीं। चप्पड़ चली है। उस दिन बलूर मनी माजरा ते खैर दे किलिया तो वजीर खान दा कोई भी लोड़िंदा सामान उस तक ना पहुंचे। बंदा सिंह, तलवारा देख, तोपा देख, देख मेरी फौज दी तादाद देख। मैं उना सिंगा दी फौज दे चित्रे हवा च उड़दे देख रहा हां। दुश्मन दे छक्के छुड़ा लिए तो पाई काफी ने, कुछ किता उठे ही खत्म हो जाएंगे, बाकी डर दे मारे मैदान छड़ के बच जाएंगे। खेल खत्म। 15,000 पैदल ते 12,000 घोड़सवार सिपाही, दर्जना हाथी, तीर अंदाज, खूंखार 5,000 कादी ते बहुत सारिया तोपा, खबर पक्की। साडे स्वागत लई चंगी तैयारी कीती है वजीर खान ने। बंदा सिंह जी, असी तोपां दा मुकाबला किवें करांगे? बस तोपां दी मार दा पता लग जावे कि कित्थों दी कित्थे तक है। बंदा सिंह जी, पिंडां दे जो नौजवान साडी फौज विच शामिल होण आ रहे सन, वजीर खान ने उन्हां नूं मरवा के उन्हां दे ही पिंडां दे चौराहयां ते लटकवा दित्ता ताकि होर लोग साडे नाल जुड़न दी हिम्मत न कर सकण। तैनूं इह खबर कित्थों मिली? मैनू एक खबर अपने नाल नवे जुड़े सिपाहियां दे खेमे चो मिली है। तू मैनू दसेगा वजीर खान दी फैलाई इस दहशत दे बारे सुन के तैनू की लगया? जी मेरा तां खून खौल रहा, पर सिंह जी मैं अपने नाल नवे जुड़े लोकां दी गल करदा। घबराना नहीं, वजीर खान दी फैलाई है दहशत दी खबर सब दे खून नू उबाला देवेगी। बस तू इस खून नू ठंडा ना होण दे। ठीक पहला जालमा ने अजि हरकत डर फैलाने लिए की है। गुरु साहब, सलाम ते फतेह हासिल करने का की उचित समय है? खालसा जी, हमें तो उचित समा उदो है खालसा जी, सरहंद तो एक आदमी ते एक औरत थानू मिलन आए ने। वो पहला भी 2-3 बार आ चुके ने, कहंदे ने जंग शुरू होने तो पहला थोड़े नाल मिलना जरूरी है। हां जी दसो। जी मैं नूरा हां, गुरु साहब जी दे कहन ते मैं सरहिंद गया से। हां, भाई दया सिंह जी ने तुहाडे बारे दस्या सी? ए मेरी भैन रसिया जिन्हें छोटे साहबजादियां दी दीवार विच होण दी शहीदी अपनी अखी वेखी है।
मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूं। उस दीवार दे पांच सालों तो मैं अपने को सांभ के रखी सी, तुहाडे वास्ते जंग विच अपने नाल रखना मेरा विश्वास है। तुसी वजीर खान वो सजा दे सकोगे जिसका वो हकदार है। साहब का लख लख शुक्र है, उन्होंने तुहानू मेरे कोल भेजा। आज मैं तुहाडे मुंहों सुनना चाहांगा कि उस दिन ते उस तो पहला सरहंद च की होया सी। मैनू पंजाब आजाद कराउन भेजिया सी किसे कोलों बदला लैण लई नहीं, लेकिन जान विच जान तों पहला जिहड़ी हैरानियत दी अखी वेखी कहानी इस भैन तों मेरे कन्नां ने सुनी है उसनों सुन के बस मैं यही अरस करांगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने होवे उस वक्त तुसीं मैनूं माफ कर देना, माफ कर देना। सिंह ए सडोरा जा समाना नहीं, सरहंद है सरहंद, वजीर खान दा सरहंद। वजीर खान ना ही मैं तेरा कोई फौजदार ना ही कोई पहाड़ी राजा, सिंह हा सिंह गुरु दा सिंह। ओए सिंगा क्यों मौत नो हथ पौना है, अपने सिपाहियां नाल आके मेरे सामने हथियार छोड़ दे। ओना दो मासूम बच्चे दे सिर तक चुका नहीं सकिया ते तू मेरे गुरु दे शेरां नो गुलाम बनाउण दे सुपने वेखदा है। ओए गोडे टेक दे, मैं तुहाडे सारियां दियां जाना बख्श दियांगा। ओए तू किते गोडे टेकण बारे सोची भी ना, सालमा मैं तेरी जान नहीं बख्शांगा। तेरी ए मुट्ठी पर फौज हाथन तक मेरे कब्जे च होवेगी। तू अग्गे ता वध, इधर मेरिया तोपां वल वेख, इधर मेरे सिंगां वल वेख, एक एक अग दा गोला। बंदा सिंह आखरी मौका है तेरे कोल। वजीर खान आखरी ख्वाहिश है ता बोल। तू कल दा चढ़ता सूरज नहीं वेखेगा, सूरज ता अज तेरे मरण तो बाद ही डुबेगा। दुनिया दे सब तो अव्वल कौम दे सुरमियो, दुश्मन दे अजे हमला करो के साडे खौफ नाल इन्हां दियां आउण वालियां पुश्तां कुख विच ही खत्म हो जान। खालसा जी काल बन के टुट पवे ना दुश्मना ते, तुसी फौज अकाल दियो, असी सिंह अज गर्ज के सरहंद च होए पापां दा इंसाफ करांगे। करफ नाल पार उठेगा साडी आउण वाली पीढ़ी दा सीना जदों अज दा इतिहास बणनगे। अज दी जंग दा सेनापति कौन? जय हो शिवा, शुभ कर्म ते ना डरू अरसाओ, जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। Thank you.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ। ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ। ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਟ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਟ ਨਾਲ ਮੈਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। Thank you.
ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਚਲਾਓ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਚਾਨੰਦ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਚਾਨੰਦ। ਸੁਚਾਨੰਦ, ਯਾਦ ਕਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਿਆ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਚਾਨੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਝੁਕਾਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਝੁਕਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ। ਸੀਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਪਾਖੰਡੀਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਫੇਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਤੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡੇ ਮੁਰਚ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
जिथे जाना चाहते ने इन्होंने उस जगह से हिफाजत की इज्जत न छड़ गया। सिंह बहादुर ने ना सिर्फ पहले खालसा राज की स्थापना की बल्कि उसने अपने गुरु के नाम के सिक्के चला के उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सिक्कों को नानक शाही सिक्के भाव श्री गुरु नानक देव जी के सिक्के कहा जाता है। उन्होंने सिक्कों ते लिखा सी सबना दे दाता सतगुरु नानक जी की असीम कृपा दे नाल ते शहनशाहां दे शहनशाह सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार की फतेह नूं अर्पित। ए सिक्के अध्यात्मक ते संसारक दोवें जहाना लई जारी कीते गए। बंदा सिंह ने लोहगढ़ के किले नूं अपनी सेना का मुख केंद्र वजों स्थापित किया। उसने पहाड़ी राजियां नूं
लोहे दे चने चबाए जिन्हां ने आनंदपुर की जंग विच गुरु साहब नूं धोखा दिता सी। उसने लाहौर की हद तो लैके दिल्ली की हद सोनीपत तक अपने राज का झंडा गड़िया। इस तो पहला बंदा सिंह बहादुर समाने से चढ़ाई करदा भाई फतेह सिंह अपने साथियों समेत बंदा सिंह नाल आ मिलिया। सरहंद की लड़ाई मौके उसने ही वजीर खान का सिर कलम किया। वह पिंड चक भाई के नाम का रहने वाला सी जिहड़ा कि अजकल चक फतेह सिंह वाला दे नाम नाल जाना जाता है। उसके वड्डे वडेरे चौथे गुरु साहब के भगत सन। उन्हां दी बारहवीं पीढ़ी अज भी इस पिंड विच वसदी है। बंदा सिंह ने चंबे दे राजे उदय सिंह दी बेटी सुशील कौर नाल व्याह कीता जिसकी कुखों उसका पुत्र अजय सिंह पैदा होया। बंदा सिंह दा दूसरा व्याह साहिब कौर नाल होया जेड़ी के जदों गुरदास नंगल बंदा सिंह दी गिरफ्तारी हुई वो उसके नाल नहीं सी क्योंकि उस वेले वो बंदा सिंह दे बच्चे दी मां बनने वाली सी। बाद में उसने उसके पुत्र नूं जन्म दिता जिसकी नौवीं पीढ़ी अज भी कटड़े दे कोल पिंड रियासी ते रोहतक दे निवासी हन। मुगलां ने लोहगढ़ दा किला जित्तण तो बाद भुखे भेड़िया की तरह बंदा सिंह की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त उसने रोपड़ जलंधर दे मार्ग पिंड रायल माजरा दियां गुफावां च शरण लै ली। यह इतिहासिक गुंजलदार गुफावां एनिया उचिया सन के पहाड़ी दे एक सिरे तो दूजे सिरे तक घोड़सवार आसानी नाल निकल जांदे सन। यह लुकण लई उत्तम जगह सी। इन्हां विचों कुछ को गुफावां अजे भी उत्थे मौजूद हन। बादशाह फारूक शाह दे हुकम नाल बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार करन लई मुगलां ने 8 महीने गुरदास नंगल दी कच्ची गढ़ी नूं घेरी रख्या। आखिरकार बंदा सिंह ने पत्नी सुशील कौर पुत्र अजय सिंह ते 200 तो वध सिंघां नाल आत्मसमर्पण कर दिता। हालांकि अपने परिवार समेत बच के निकल जाने का पूरा इंतजाम सी पर उसने अपने गुरु दे अनमोल उपदेश नूं याद रखिया। मरना उसे दा सफल मन्या जांदा है जो दूसरियां नूं मरण दी जाच सिखा देवे। लोकां विच खौफ पैदा करन लई मुगलां ने बंदा सिंह दे टुकड़े टुकड़े करके पूरी दिल्ली विच खिलार दिते। परंतु उसकी दूसरी पत्नी साहिब कौर दे भरा ने कुछ को टुकड़े इकट्ठे करके उन्हां दा संस्कार कर दिता ते अस्सियां अज भी पिंड रियासी दे डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मठ विच महफूज हन। बंदा सिंह ने सिंघां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं संघर्ष लई तैयार कीता जिन्हां ने ना सिर्फ अहमद शाह अब्दाली नाल टक्कर लई बल्कि महाराजा रणजीत सिंह नूं सिख राज स्थापित करन च भी मदद कीती। जड़ी जोत उसने कौम अंदर जगाई वो हौली हौली इन्नी तेज होके भड़की के पांबड़ बन गई। ओ थां जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दे बेटे अजय सिंह नूं मुगलां ने शहीद कीता सी ओ अज गुरुद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम नाल जाणिया जांदा है जिहड़ा कि कुतुब मीनार तों 1.5 किलोमीटर दूर महरौली नवीं दिल्ली विच है। नंदेड़ दा ओ स्थान जिथे जाके गुरु साहब ने डेरा लाया सी ओ अज महाराष्ट्र विच है ते तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब दे नाम नाल जाना जांदा है। ए सिखां दे 5 तख्तां विचों इक है। ए गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह दे हुकम नाल सन 1832 तों 1837 विच बनाया गया सी। ओ सारियां रस्मां जिहड़ियां गुरु साहब वेले प्रचलित सन ओ अज भी उत्थे उसे तरह निभाईयां जांदियां हन। चमकौर दी जंग तो बाद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलां दे शहंशाह औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया जदों ओ अहमदनगर विच सी जिस विच उन्हां ने औरंगजेब नूं चंगी फटकार पाई ते कहा कि तू इंसानी तौर ते कमजोर होण दे नाल नाल इक अत्याचारी शासक भी है। तू ते तेरे चहेते सिपे सालारा ने पहला साडे नाल वादे कीते ते फेर उन्हां वादियां नूं तोड़िया। जफरनामे च गुरु साहब ने औरंगजेब नूं चेतावनी दिती कि खालसे दा संकल्प उस वक्त तक पूरा नहीं होवेगा जदों तक तेरे शैतानी राज दा अंत नहीं हो जांदा। औरंगजेब ए सब पढ़ के कंब उठिया। उसने गुरु साहब नूं मिलन दी इच्छा प्रगटाई परंतु मुलाकात तो पहलां ही उसकी मौत हो गई। चप्पड़चिड़ी दे महायुद्ध विच बंदा सिंह ने वजीर खान ते फतेह पाई। इस जित दी याद विच अज उत्थे एक बहुत वड्डी मीनार खड़ी कीती गई है। ए जगह चंडीगढ़ दे कोल मोहाली विच है।